तो यहाँ पर सबका पहले वेलकम है, जो लोग नए जुड़े हैं उन सबका स्वागत है, सभी लोग आए हैं जुड़े हैं सबको मेरा बहुत बहुत स्वागत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो लाइक और आगे भी भेज दो, जिससे कि लगातार आपकी क्लासेस आपको मिलते रहें। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। तो शुरू करते हैं आज के सवाल, और पहला सवाल, गुड इवनिंग टू एवरीवन, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। आप जैसे जानते हैं सबसे पहले मैं सबसे आसान सवाल रखता हूँ, उसके बाद धीरे 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 वो लेवल बढ़ता जाता है, तो उसी के माध्यम से हम चलेंगे। पहले आसान सवालों को समझेंगे, फिर बड़े बड़े सवालों को आपके सामने करेंगे। तो 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है, ये आपको बताना है। द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 3.5 राइट ट्राइंगल इज वॉट। 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। सवाल बड़ा आसान है, उम्मीद करता हूं जवाब बहुत अच्छे से मिलेगा। 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि एक समकोण में कितना होता है, एक समकोण में डिग्रियों की संख्या होती है 90, उसमें बोला 3.5, तो 3 समकोण या 3.5 समकोण कर दो, सीधा 90 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 95 45 93 27 और 4 31, तो कितना हुआ 315 डिग्री। गुड इवनिंग कादमनी, 315 डिग्री टोटल आंसर, राइट आंसर इज 315 डिग्री इज द राइट आंसर। किसी का मुझे आंसर नहीं मिला है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, मुझे किसी का आंसर नहीं मिला। सी, बहुत बढ़िया, सी क्यों होगा 295, क्यों भाई, 9 × 27 270 और 45 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 3 समकोणों में हो गया 3 × 90 और आधे समकोण में हो गया 45, दोनों को जोड़ो तो कितना हुआ 5 × 7 = 11, 315 ही तो हुआ। अरे क्या गलती कर रहे हो सब लोग, ऐसे कैसे करोगे भाई, इतनी गलती कैसे कर रहे हो, ये गलती तो बिल्कुल भी समझने लायक नहीं है, ऐसी गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, द राइट ऑप्शन इज ए 315 डिग्री, बहुत बढ़िया, हाँ ऐसे बोलो आंसर। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, और मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ कि आपके एग्जामिनेशन में, अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको इसी तरह के सवाल मिलने वाले हैं, जहां पर आपको 4 ऑप्शन में से मैच करने के लिए दिया जाएगा, या तो आप सवाल को मैच करके बताएं या फिर आपसे जोड़े मिलाएं, इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है, या 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके समक्ष है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द प्रोसीजर टू द सक्सेसर ऑफ 1000 इन 1000, लेटर मीन सक्सेसर, द प्रोसीजर ऑफ द प्रोसीजर इज 99, द सक्सेसर ऑफ 1000 एंड द प्रीसीडिंग्स इज 1001, द सक्सेसर ऑफ 1000 प्रीसीडिंग इज 1002। सब लोग जानते हैं पहले पूर्ववर्ती और परवर्ती का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, कि ये पूर्ववर्ती और परवर्ती का कॉन्सेप्ट क्या है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये पूर्ववर्ती के परवर्ती तो समझ लेना, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 5, तो 5 के पूर्ववर्ती, पूर्व मीन्स पहले, इसको पूर्ववर्ती बोलते हैं और इसको परवर्ती बोलते हैं। पूर्ववर्ती को हम अनुवर्ती के नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं, कभी बोले अनुवर्ती, और इसको परवर्ती को हम उत्तरवर्ती के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिसीजर, इसको बोलते हैं सक्सेसर, तो इनके ये नाम है। अब जैसे मतलब पूर्व माने पहले की बात हो रही है, पूर्व का मतलब पहले, यानी 5 से पहली संख्या, पूर्ववर्ती मीन्स माइनस का 1, जो भी संख्या उसमें माइनस का 1 कर दोगे तो पूर्ववर्ती हो जाएगी, परवर्ती में क्या होगा अगर प्लस 1 कर दोगे तो परवर्ती हो जाएगी। तो अगर मैं 5 की पूर्ववर्ती संख्या की बात करूं 4 है, और 5 की परवर्ती उत्तरवर्ती संख्या की बात करूं तो वो 6 है। इज इट क्लियर, ये समझ में आ गया क्या बोला मैंने सक्सेसर और प्रीसीजर के बारे में। उसने पहला ऑप्शन दिया 1000 का परवर्ती, 1000 का परवर्ती मीन्स प्लस 1, कितना हुआ 1001। अब 1001 का पूर्ववर्ती यानी 1 कम कर दो तो क्या होगा 1000, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है ना। तो अगर हम बात करते हैं 1000 के पूर्ववर्ती की, तो 1000 का पूर्ववर्ती कितना होता है 999, और उसका भी पूर्ववर्ती कितना होगा, आपने कहा 998, वो ले रहा 999, तो गलत है ना, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे 1000 के पूर्ववर्ती करना होगा 999, का परवर्ती 1000 होगा, 1001 कह रहा है,
1000 का पूर्ववर्ती 999 का परवर्ती 1000, 1000 दो बोल रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 का ए। याद रहेगा पूर्ववर्ती परवर्ती का चक्कर क्या है, पूर्ववर्ती को अनुवर्ती प्रोसेसर भी बोलते हैं, परवर्ती को उत्तरवर्ती और सक्सेसर भी बोलते हैं। याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, वेरी गुड। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, ये रहा, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है, द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 100, 100 के सभी फैक्टर का टोटल कितना है। अब इस सवाल को दो तरीके से पूछा जाता है, आपको बता दूं, या तो वो ये बोलेगा कि टोटल योग कितना है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि टोटल गुणनखंड कितने हैं, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ये सवाल कई बार आ चुके हैं, गुणनखंडों की संख्या। तो पहले अब मैं संख्या भी बताऊंगा निकालना, फिर आपको इसके फैक्टर भी बताएंगे कितने फैक्टर हैं। बहुत बढ़िया शिखा, सही कहा आपने। तो अगर मैं बात करता हूं 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल, तो सबसे पहले आपको यह बताना है मुझे कि 100 के कितने गुणनखंड हैं, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 100 आर। समझना, अगर मैं 100 के फैक्टर की बात करता हूं तो हम कैसे निकालते हैं। देखो, पहला फैक्टर 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 मिलेगा, 3 से कटता नहीं, 4 से काटेंगे तो 25 मिलेगा, 5 से काटेंगे तो 20 मिलेगा, 6 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटता, 8 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटता, 10 से कटता है, और 10 को करेंगे 10 ढाई 100, तो यही तो फैक्टर है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए इसके, कोई बात नहीं अभी सही भी हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए, आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, क्योंकि 10 दो बार है लेकिन फैक्टर तो एक ही है ना, तो 100 के टोटल फैक्टर कितने हुए, 9। तो 100 एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर यानी उसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9। अब इनका सम कितना हो जाएगा, अब सबको जोड़ो, 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 + 25 + 50 + 100। क्लियर है, ना उत्तरवर्ती है, अनुवर्ती उत्तरवर्ती कैसे हो जाएगा, अनुवर्ती पहली संख्या होती है, अनुज, अनुज माने क्या होता है, छोटा, साफिया, अनुज माने छोटा होता है यानी उससे छोटा, उत्तर मीन्स उससे बड़ा होता है। ओके, चलो तो देखिए, 100, 50, 150, 125, 175, 195, 200, 210, 215, तो कितना हुआ, 216। क्लियर है, देखो 100, 50, 150, 195, 200, 210, 214, 216 और 217, तो राइट ऑप्शन कितना हुआ, टोटल सम कितना है, 217। समझ में आया कैसे करते हैं। तो अगर वो पूछे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो आप स्टार्टिंग से चलेंगे और बाद वाली संख्या को भी साथ में लिख लेंगे, तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने मिले, 9। यहां पर हम गलती क्या करते हैं, हम 10 को दो बार काउंट कर लेते हैं इस वाले को, कि दो हैं ये, क्योंकि 10 तो एक ही संख्या है ना, इसलिए उसको एक बार अकाउंट करेंगे, जोड़ने में इसको क्या कर सकते हैं, 227 कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो याद रहेगा इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आपका प्रश्न हो जाएगा। एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको समझ में आ रहा है ना, कोई ऐसा प्रश्न जो समझ में ना आ रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं, ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 600 ग्राम है, कुछ सेबों का भार 1 किलोग्राम 450 ग्राम है, आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। इसको तो बड़ा आसानी से आप कर देंगे, इसका तो जवाब मुझे पता बहुत जल्दी मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। डी, क्या बात है, मुझे पता था इसका जवाब डी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आम का भार 2 किलो 600 ग्राम है और सेब का भार 1 किलो 450 ग्राम, घटा दें तो यहाँ कितना बचा, आपने कहा 150, और यहाँ कितना बचा, 1, तो 1 किलोग्राम 150 ग्राम ही तो बचका ना सवाल था। ऐसे भी सवाल मिल सकते हैं जो बहुत इजी होते, जिनको देखते आपकी आत्मा खुश हो जाएंगी कि चलो भाई आनंद की प्राप्ति हुई, एक सवाल तो ऐसा मिला जो एकदम आ गया, सारे सवाल मिलेंगे। चलो, यदि राम की मासिक आय शाम से 60% अधिक है तो शाम की मासिक आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी, ये आपको बताना है। If Ram's monthly income is 60% more than Shyam's income, then how much Shyam's income will be less than Ram's income?
तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। राम की मासिका, अब इसको बहुत ज्यादा सवालों को घुमाने की कोशिश की जाती है, बुक में किसी और तरीके से सवाल हुआ मिलता है, आप किसी और तरीके से करते हैं, है ना। तो यहाँ बहुत सारे साथी बहुत सारे तरीके से सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपको समझना है सवाल, देखना है कैसे हो सकता है, और चीज़ों को समझने की हम कोशिश करते हैं जिससे कि आपको आसानी से कोई दिक्कत ना हो और आप चीज़ों को आसानी से समझ लें। बहुत बढ़िया। डी देखो, इसको मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, समझना ऐसे सवाल कैसे करते हैं। 60% है तो सबसे पहले 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालो। 60% सर पोल क्रिएट नहीं होता क्या, इस पर पोल क्रिएट नहीं होता दीक्षा, यहां कमेंट ही चलता है बस, ठीक है। तो 60% की अगर हम बात करते हैं तो 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, आपने कहा सर परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, क्लियर है। इसको ऐसे काट दें, अब इसको 2 से डिवाइड करें, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, 3/5, यानी 60% का फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 3/5। उसने क्या बोला, अधिक है, अधिक के लिए हमेशा जोड़ते हैं, तो अधिक के लिए क्या करना, 3/5 था तो क्या करेंगे, 3/5 अधिक है ना, तो इस वाले 3 को नीचे जोड़ दो बस, तो कितना बना, इट बिकम 3/8, यानी वो 3/8 कम है, आंसर आ गया 3/8 कम है, यानी अगर राम की आय 60% अधिक है तो मैंने अधिक के लिए 3/5 लिखा और मैंने यहां पर नीचे वाले में जोड़ दिया क्योंकि उसने अधिक बोला था, तो अब यह 8 में से 3 बन गई दूसरे वाले की इनकम, पहले वाले की 5 में से 3 थी, अब दूसरे वाले की कितनी होगी, 8 में से 3 कम हो गई ना, अब यह 3/8 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप रिवर्स 100 की गुणा कर दो इसमें, ऐसे तो करोगे, ओके, तो 300/8%। अब इसको चाहो तो डिवाइड कर लो आप 4 से, चॉइस आपकी है, 4 से कट जाएगा ना, 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 75/2, और 75/2 क्या होता है, दैट इज 34, 35, 37 × 2 = 74, सही 37 सही, 1/2%, क्लियर है। अगर इस सवाल में यहां बोलता कि कम है, फॉर एग्जाम्पल वो सवाल में ये बोल देता कि कम है तो क्या करते, अगर वो बोलता कम है तो क्या करते, देखते हैं कम के लिए भी क्या होता है, ओके ओके, तो 2 के लिए क्या करते उसको भी देखते हैं, चलो अभी करते हैं शुरू। अगर यहां पर कम होता है तो क्या करते, तो आप 3/5 लिखा है ना, तो इसमें से कम कर देते उसको, तो क्या हो जाता है ये 3/5 − 3, तो ये 3/2 हो जाता है, यानी अब 2 में से 3 हिस्से मिल गए, और 2/3 में 100 की गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, आपने कहा 150%, तो उसकी सैलरी 150% ज्यादा हो जाती है। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डन है, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, इज इट ओके टू ऑल, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताते रहिएगा, अदरवाइज ऐसे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है ना, ओके ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका नेक्स्ट सवाल, और जानते हैं जवाब क्या है, समझ में आया, हाँ जी बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इज इट ओके, फाइन, आगे बढ़ूं, ओके समझ में यार, एक और सवाल लिया जाए फिर, तो अभी सबको तो कम के लिए क्या करना है याद रहेगा, कम के लिए कम करना है, ज्यादा के लिए ज्यादा करना है, इज इट क्लियर, ओके वेरी गुड। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सवाल, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सवाल को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो एक सवाल और दिया जाए अगर आप रेडी हैं तो, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, आर यू रेडी, ओके तो ऑल ऑफ यू आर रेडी, तो वन मोर क्वेश्चन ये रहा, चलो बहुत आसान सवाल है, 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है, तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है, उम्मीद करता हूं आपका जवाब मुझे अच्छे से मिलेगा, कोई दिक्कत आप नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया। तो सिंपल सवाल है, चाहेंगे जवाब मिलेगा, बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, है ना, बहुत बढ़िया। और जवाब क्या आ रहा है आपका देखते हैं, वेरी गुड, धीरे धीरे जवाब बढ़ते हुए, सभी लोग लाइक जरूर कर दें भाई, सेशन को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि जब तक लाइक नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा, है ना, जब तक लाइक नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा, नहीं तो दिक्कत होती रहेगी, ओके तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपकी चीजें लगातार बढ़ती रहें और हम सवालों को समझते रहें, वेरी गुड।
तो चलो यहाँ पर शुरुआत हुई है और देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। उम्मीद है आपका जवाब अच्छे से मिलेगा और तेज़ी से आप सवाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। वेरी गुड। चलिए तो चलो शुरू करते हैं कहानी और देखते हैं आपका जवाब क्या आया। वेट करते हैं एक सेकेंड, रुकिएगा। ओके ओके, तो यहाँ पर देखता हूँ लाइक कितने लोगों ने किया है। वेरी गुड, तो यहाँ पर कई बच्चों ने किया 2-0, बहुत बढ़िया आंसर। देखो समझने की कोशिश करना कैसे कर सकते हैं इस सवाल को, अभी मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इसको आसानी से समझेंगे। जनरली हम क्या करते हैं इस सवाल को करते समय, हम एक छोटा सा काम करते हैं और वो काम क्या होता है, हम इस सवाल को करते समय 2-2.5 यहाँ पर लगी, इकाई यहाँ पर, इस तरह से सवाल को करने की कोशिश करते हैं जो एक प्रॉब्लमिस्टिक थिंग है ना। तो उसको समझना है, उसको जानना है और देखते हैं उसको कैसे जानेंगे और कैसे समझेंगे, अभी बता देते हैं आपको, यू डोंट वरी। ओके, देखिए सवाल क्या था। हम जनरली कैसे करते हैं, हम जनरली करते हैं ऐसे कि भाई 2-4-2-4, तो इकाई 2 के स्थानीय मानों को योग पूछा ना, हम 2 करेंगे, इकाई दहाई 2×10=20, इसको करेंगे फिर 2×1000=2000, तो अब क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे 20-20 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं कैसे करेंगे इसको, देखिएगा। मैंने कहा लिखा था 2-4-2-4, जिसका योग पूछा है ना बस उस संख्या को रखना, बाकी सबको जीरो कर दो। 2 का पूछा 2 रोक लिए, 4 नहीं पूछा जीरो कर दिया, 2 को ऐसे रखो, 2 का पूछा, 4 को नहीं पूछा जीरो कर दो, आंसर आसान है। एक और सवाल लिया जाए, आसान है। दीक्षा अब ये मेरे हाथ में नहीं, यूट्यूब मेरा नहीं है, अदरवाइज में पोर का सिस्टम जरूर करता। एक और सवाल, संख्या 907007 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या है, जल्दी से आंसर दीजिएगा और मुझे उम्मीद है आपका आंसर मिलेगा। बहुत बढ़िया, क्या जवाब मिलता है अभी देखते हैं। उम्मीद है आपका जवाब अच्छे से मिलेगा और सवाल को आप अच्छे से करेंगे। उम्मीद पर तो आप खड़े उतरते हैं, मुझे बड़ा विश्वास रहता है आपके ऊपर। और यहाँ पर 5, सबने कहा है 5। ओके लेट्स सी, 5 है तो अभी देख लेते हैं, आपने कहा है 5 तो ज़रूर देखेंगे 5 को भी। यहाँ पर सबका आंसर 5 मिल रहा है। ओके देखते हैं, 5 आपका आंसर मिल रहा है, कोई बात नहीं। तो 5 आंसर आपने दिया है। देखो इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते थे, 3 में और 9 में बड़ा अच्छा नियम है। अगर आप करेंगे 90707 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9×1=9, बचा 0, ना जाने का 0, आपने उतारा 7, ना जाने का 0, फिर 0, 9×6=54, 9×7=63, बचे 7×2=77, 9×8=72, और आप ऐसे करके इसका आंसर 5 निकाल लेंगे, दैट्स इजी। लेकिन अगर आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, अगर आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप क्या करेंगे, मेरे हिसाब से तो तब तो आसानी से हो जाएगा ना। क्यों, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि संख्या के अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए किससे, 9 से। चलो करते हैं, 7×7=14 और 9 आपने कहा 23 है ना, तो ये 23 आया टोटल। अब 23 में मैं 9 का डिवाइड करूं तो शेष कितना बचेगा, 5। तो आप इतना इजी कर सकते हैं, आसान है ना, यू कैन इजीली मैनेज द टास्क, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मुझे तो लगता नहीं कि इसमें शायद कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो मुझे बताइएगा, नहीं है ना कोई भी प्रॉब्लम, आसान है, समझ में आया सबको। आगे बढ़ूं, एक सवाल और लूं अगर आप कहेंगे तो। ओके, वन मोर क्वेश्चन लिया जाए, पक्का, वेरी गुड। तो एक सवाल और ये रहा, चलिए, गुणनफल 140×101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 114,414 प्राप्त हो जाए। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ओके ओके, तो जवाब क्या मिलता है अभी पता लगेगा आपको, और आपने नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो देखते हैं जवाब क्या है आपका आखिरकार इस सवाल का, बड़ा आसान सवाल है, यू कैन इजीली हैंडल दिस क्वेश्चन। यस, जवाब जारी है, नो प्रॉब्लम, सबने कहा नो प्रॉब्लम है। ओके वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस, ये उम्मीद है और आपका विश्वास है कि आप सवाल को बहुत अच्छे से करेंगे।
सो वेरी नाइस। और यहां पर जवाब मिला है, ओहो क्या बात है, जवाब मिल रहा है सी 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 सी, क्या बात है। तो आपका जवाब मुझे सी सी के रूप में मिल रहा है, और देखते हैं जवाब कितना मिलता है। ओके, और यहां पर जवाब यस। देखो बहुत सिंपल सा, सबने सी और डी और ए बी सी डी में कहा है आंसर, कितना आसान था। अगर मैं इसकी गुणा कर दूं तो सिंपल है, और इसमें ये प्राप्त हो जाए तो पहले इसकी गुणा कर लें, तो 140 मल्टीप्लाई बाय 101, तो जीरो तो यहां पर आ गया, 14 एकम 14 और 14 एकम 14 ऐसी तो होगा भाई, 14,140 आया। अब आपको लाना था 14,414, तो 14,414 में से घटाएं इसको, तो शायद आपको 6, 10 में से 4 गया 6, और 3 में से 1 गया 2, एक मिनट, ओ 7 माफ कीजिएगा 7, और 4 में से 1 गया 3, 376, यू विल गेट 376। राइट ऑप्शन क्या है, नहीं सिंपल, देखो ना 4 तो ये बच गया भाई, 11 में से सॉरी माफ करिएगा 276, राइट ऑप्शन इज 276। कैसे बच रहा है भाई, एक मिनट रुकना, 400, 11 में से 4 गया 7, 3 में से 1, 276 आना चाहिए, 274 कैसे आ रहा है, एक मिनट, ओह मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, इट्स 274। ओके, मैं 10 में से 4 घटा रहा हूँ बार बार, इट्स राइट ऑप्शन इज डी, द राइट ऑप्शन इज डी, मैं फालतू में कर रहा हूँ। देखो कितनी बड़ी गलती एक साथ हो जाती है, बार बार उसी चीज पर मैं रुका हूँ और बार बार उसी चीज को आपको करने की कोशिश करा रहा हूँ, है ये भी एक अच्छी बात है, बार बार चीजें हो जाती हैं। ओके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये कई बार हो जाता है इस तरह से, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की, और देखते हैं सवालों पर क्या समस्या है आपकी और क्या आप समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट, ओके ग्रेट, तो स्टार्ट कर देते हैं आपका सेशन और देखते हैं क्या जवाब मिलता है। ओके लेट्स सी, सवाल समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को प्रॉब्लम हो तो यू कैन लेट मी नो, इट्स क्लियर ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, ओके ओके ग्रेट। तो चलो भाई आपने अच्छा आंसर दिया, बहुत सिंपल सवाल था, हाँ देखो कितना बड़ा सवाल हो रहा है। एक और सवाल, 10वां प्रश्न, माचिस का एक चरण आपके सामने दिया, माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए, यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। सवाल बहुत सिंपल है, चेक द फॉलोइंग पैटर्न मेड ऑफ मैच स्टिक्स, इफ द पैटर्न कंटिन्यूज हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 15th स्टेप। ओके तो 15वें स्टेप में कौन सी तीलियों चलेंगी, कौन सी तीलियों की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। तो माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए, यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। बहुत सिंपल सवाल है, इसको आसानी से कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसको आसानी से कर लेंगे, आई न्यू इट। तो देखो इस सवाल को कैसे करते हैं, आप देखो पहले चरण में कितनी तीलियां हैं, आपने कहा 1 2 3 4 5 6, दूसरे चरण में कितनी है, 6 और 4 10, तीसरे चरण में कितनी है, 6 और 4 10 और 4 14, तो हर चरण में 4 तीलियां बढ़ रही हैं। अगर मैं इसको समांतर श्रेणी के माध्यम से करूं, जिसको आप बोलते हैं समांतर श्रेणी यानी एपी, तो एपी की सीरीज क्या, वो कह रहा है कि 6 10 14 अप टू आपको निकालना है, ये पहला है दूसरा तीसरा 15वें चरण में कितनी तीली आएंगी। तो आप सभी जानते हैं अगर मैं टीएन की बात करता हूं तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका फॉर्मूला होता है, अभी मैं फॉर्मूले के बिना भी बताऊंगा डोंट वरी, लेकिन पहले फॉर्मूला स्पष्ट कर दूं आपको। तो ए कितना है, पहला पद क्या होता है 6, एन कितना बोला उसने 15वें चरण में 15 माइनस 1, और डी क्या है इनके बीच का डिफरेंस, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, 4 है ना, ऐसे तो कितना हुआ 6 प्लस 14 गुणा 4, तो 14 चौके 56,
6 + 56 दैट इज 62, तो कुल मिलाकर 62 स्टिक्स चाहिएंगी, ठीक है ना। ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला बेस्ड है, यानी जो हमारा समांतर श्रेणी के आधार पर है। समांतर श्रेणी क्या होती है? एक ऐसी श्रेणी जिसके अंतर्गत लगातार चीजें चलती रहती हैं और लगातार उन चीजों को आप समझते रहते हैं। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई किसी को? वेरी गुड। अब मैं इसको अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूं तो डायरेक्ट क्या होगा, अब डायरेक्ट भी देख लेते हैं। पहले चरण में 6, दूसरे चरण में कितनी हुई 10, 14, 18, नहीं हर चरण में 4 तिलियां बढ़ रही हैं। तो अगर मैं 15वें चरण की बात करता हूं, तो भाई एक चरण तो ये हो गया, तो बचे 14 चरण ना भाई, 1, 2, हर चरण में जो बाकी चरण थे, बाकी स्टेप थे, 4 तिलियां बढ़ रही थी, तो 14 और 1 15, तो 14 चरण थे, 14 चरण में कितनी तिलियां लगी, हर चरण में 4 तो 56, और पहले चरण में लगी थी 6 तो 56 + 6 = 62। आप ऐसे भी कर सकते थे, क्लियर है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसा अच्छा लग रहा हो यू कैन डू एज पर योर चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे बढ़ें एक और सवाल की तरफ, तो आप एपी से भी कर सकते हैं और अपनी आप तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, एक और सवाल, क्वेश्चन है, √72 + √72 + √72 इसका मान क्या है, 72 + 72 + √72 + up to so on, ऐसे चलेगा ये, तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखते हैं 18, 12, 9 और 8। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, डन, तो यहां पर सी ऑप्शन दिया जा रहा है। नो, देखो इस सवाल को पहले बेसिक तरीके से आप समझ लो एक बार, कि बेसिक तरीका क्या है इसको समझने का, तभी आप सवाल को अच्छे से कर पाओगे। तो इसका मैं इसको पहले बेसिक से कराता हूं फिर आपको। मैंने माना x इज इक्वल टू क्या है, ये है 72 + 72 + 72 + up to so on, तो देखो ये इन्फिनिटी तक जाता है वैल्यू, और इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, अगर आप उसमें से कुछ कम करें या कुछ जोड़ें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया इसका, जब मैंने स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा जब इसका स्क्वायर हुआ पूरे का, तो एक स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा 72 + 72 + 72 + 72 up to so on, और इसका वैल्यू तो x के बराबर है, तो मैं x पुट कर दूं इसकी जगह, तो ये क्या बना x स्क्वायर इज इक्वल टू 72 प्लस x, इसको इधर भेज दिया, तो x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 72 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लो, 9 8 72, 8 9 72 होते हैं ना, तो मैंने क्या काम किया, मुझे माइनस 1 मिलना चाहिए इसमें से, तो आपने कहा ओके, तो क्या करें एक्स स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का 8x माइनस का 9x माइनस का 72 इज इक्वल टू, जी बेसिक चीज है, बेसिक ऐसे करते हैं, आपने x यहां से कॉमन निकाला तो x प्लस का 8, आपने माइनस का 9 यहां से निकाला तो x प्लस का 8, तो क्या बना x प्लस का 8 इंटू एक्स माइनस का 9 बराबर 0, यानी अब वैल्यू क्या निकली x बराबर माइनस का 8 और x बराबर प्लस का 9, क्योंकि ये वैल्यू सब पॉजिटिव है तो नेगेटिव होने का तो चांस नहीं बन सकता ना, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव का चांस तो नहीं बनेगा, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ही सही होगी, दैट इज x इज इक्वल टू 9। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे बेसिक से निकालते हैं, लेकिन मैं आपको एडवांस बताऊंगा, है ना। अब इसको एडवांस से कैसे करें उसको भी समझते हैं, एडवांस में कुछ नहीं करना, बड़ा छोटा सा तरीका, इतने एरिया में ही कवर हो जाएगा। जो भी संख्या लिखी है आप उसके कॉन्जुगेटिव फैक्टर्स निकालें, जो संख्या लिखी है रूट में उसके लगातार, यानी दो कॉन्जुगेटिव फैक्टर जो बिल्कुल पास पास वाले हों, तो 72 के पास पास वाले दो फैक्टर कौन से हैं, आपने कहा 8 × 9, 8 9 72 होता है ना, 8 9 72 होता है ना, अगर आप दो कॉन्जुगेटिव फैक्टर की बात करते हो तो 8 × 9, 8 9 72, तो यानी इसमें से अगर ये प्लस इनके बीच में है तो बड़ी संख्या इसका आंसर है, अगर यहां पर सपोज करते हैं माइनस होता सबके बीच में तो छोटी संख्या इसका आंसर हो जाती। क्लियर है, आसान लगा, कोई मुश्किल तो नहीं है किसी को, यस के नो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्लियर है।
ओके हाँ, प्लस है तो प्लस का बड़ा वैल्यू, अगर माइनस है तो छोटा वैल्यू। आसान है? हाँ, क्लियर हो गया ना, कितना आसान था, इजी था ना। हाँ, आपने इजीली इसका मैनेज कर लिया, दैट्स वेरी नाइस, यू आर टू कूल, बहुत बढ़िया। तो एक सवाल समझ में आया, अगर मैं सवाल आपको बोलूं, एक सवाल और दूं, उसे करोगे? चलो मैं कहता हूं आपसे, ओके ओके, मैंने कहा रूट 42 माइनस का 42 माइनस का 42 अप टू इन्फिनिटी, इसका आंसर बताओ क्या होगा। चलो एक सिंपल सवाल देता हूं, देखता हूं इसका कौन आंसर देता है। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे आप, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अभी मैंने बताया था आपको, अभी मैंने समझाया था आपको कि कैसे करना है ना। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है, लेट्स सी। ओके डन, हो गया है शुरू, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो यहां पर जवाब आपका बहुत अच्छे से मिला है, सबने कहा, सबको समझ में आया कैसे किया है, क्योंकि 42 के दो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर कौन से होंगे, आपने कहा 6 7 42, क्योंकि हम माइनस का निशान है ना, तो सब छोटी संख्या इसका आंसर है, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, चलो, एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलोग्राम ताजा मछली 25 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीद कर उनको सुखाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम से भाव से बेच देती है, इस प्रकार वह कितने रुपए कमाती है। ड्राइंग फिश रिड्यूज इट्स वेट बाई 1/3। सुनीता बाइज 1500 kg ऑफ फ्रेश फिश एट द प्राइस ऑफ ₹25 पर kg एंड आफ्टर ड्राइंग इट सेल्स इट एट ₹80 पर kg, दैट हाउ शी अर्न। बी ऑप्शन, क्या बात है, बी ऑप्शन की बात हो रही है, ओ ओ ओ, बी ऑप्शन दिया जा रहा है, दैट्स वेरी नाइस। चलो बहुत अच्छे से बी ऑप्शन दे रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छी बात है, लगातार इस ऑप्शन पर आपका सिलसिला जारी है और उम्मीद है कि आपके सवाल बहुत अच्छे से आएंगे, वेरी गुड। समझते हैं सवाल, देखो, ताजा मछली सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। तो सुनीता ने 1500 किलोग्राम मछली ली 25 रुपए किलो के हिसाब से, तो 1500 रुपए किलोग्राम मछली 25 रुपए के हिसाब से ली तो कितना हुआ, आपने कहा 0 0 15 5 75 15 2 30 और 7 37, तो 37,500 रुपए की वो मछली हो गई। क्लियर है, उसने कहा उनको सुखाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम बेचती, सुखाकर, लेकिन सुखाने पर क्या होता है, जो मछली थी उसका वजन 1/3 रह जाता, तो 1500 किलो कितना बन गया, 500 किलो, और 500 किलो को वो 80 रुपए के हिसाब से बेचती है तो कितना हो गया, आपने कहा 40,000 रुपए, यानी वो मछलियों को खरीदती 37,500 रुपए की है और बेचती कितने की है, आपने कहा 40,000 रुपए की, तो फायदा कितना, आपने कहा सर 40,000 रुपए में से 37,500 रुपए आपने कम कर दिया, तो 2500 रुपए वो कमाती है इन मछलियों पर। गुड इवनिंग पूनम जी, इज इट क्लियर टू ऑल, समझ में आ रहा है, और ये भाई लाइक वाइक कम है, इतने बच्चे होने के बावजूद लाइक इतने कम, ऐसा क्यों, नाराजगी है कुछ, क्या ये कुछ नाराजगी चल रही है क्या लाइक वाइक में, भाई लाइक वाइक करते रहा करो, ऐसे नहीं चलेगा। आगे सवाल देखते हैं एक और, चलो, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6,240 घनों को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। वेरी गुड अजीत, तो 12 का बताना है आपको, 12 का क्या आंसर है, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6,240 घनों को पैक करने के लिए कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है साहब का जवाब, लेट्स सी। डी, चलो देखते हैं, देखो, एक आयताकार बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, यानी उस आयताकार बॉक्स का वॉल्यूम कितना हुआ, आपने कहा 10 × 8 × 6, क्योंकि आयताकार
किसी भी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कितना हुआ ये, आपने कहा 480, इतने तो होगा, 8×6 = 48 दाएं 480 है ना। अब क्या हुआ, अब हमारे पास ये कितना है सेंटीमीटर क्यूब है, उसने बोला एक सेंटीमीटर के घन हमारे पास इतने हैं, तो भाई एक सेंटीमीटर घन कितने हैं 6240 और इसका वॉल्यूम कितना है 480, तो एक डब्बे में 480 ही आ सकता है वॉल्यूम, जबकि 6240 का वॉल्यूम है। अगर मैं 6240 घनों की संख्या को डब्बे के वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो मुझे नंबर ऑफ डब्बे मिल जाएंगे कितने हैं, आपने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, तो 12 से काटें 12×48 और 12×5 = 60 और 12×2 = 24 ओके 52/4 दैट इज 13 राइट ऑप्शन 13 इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई ओके डन आगे बढ़े ओके क्लियर है, बात समझ में आ गई, प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े वेरी गुड समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, आपने दिया ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब, एक और सवाल चलिए बढ़ते हैं। एक शिक्षक कक्षा से इस आयत पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है, ए टीचर आस्क दिस क्लास टू रिप्रेजेंट 1/8 इन दिस रेक्टेंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज इनकरेक्ट, देखते हैं जवाब क्या मिलता है, तेजी से दीजिएगा आंसर। एक शिक्षक कक्षा से 1/8 निरूपित करने के लिए कहता, निम्न में से कौन सा निरूपण गलत है, ए टीचर आस्क द क्लास टू रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज इनकरेक्ट, लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। ए क्या बात है, देखो मैंने आपको भिन्न वाले पार्ट में बताया था, फिर समझा देता हूं, अगर मैं बोलता हूं 1/8 तो ये अंश होता है और ये हर होता है, इसको बोलते हैं एनआर, इसको बोलते हैं डीआर, तो ये डीआर जो है ना इसका मतलब क्या होता है, बराबर हिस्से भाग, यानी ये जो नीचे वाला होता है ना इसका मतलब होता है कि उस चीज को आपने 8 बराबर भागों में तोड़ा, मतलब क्या होता है, अगर मैं लिखता हूं कि मैंने 1/4 भाग लिया तो इस मत का मतलब क्या है, इस चीज के 4 बराबर भाग हैं, तो 4 मतलब उसके हर भाग को रिप्रेजेंट करता है, 1 मैंने ले लिया, तो जब भी हर यानी dr डिनोमिनेटर की बात करते हैं अगर वो है तो उसका मतलब है ऑल पार्ट शुड बी इक्वल, यहां तो इक्वल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे बराबर हैं, यहां पर भी बराबर है, लेकिन यहां पर बराबर नहीं है, क्यों बराबर नहीं है, देखो ये तो त्रिभुज ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, ये छोटा ट्रायंगल, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा ट्रायंगल है ना, इसलिए जो 1/8 को रिप्रेजेंट करने का रॉन्ग पैटर्न है, जो रॉन्ग तरीका है, जो गलत तरीका है, वो ऑप्शन नंबर 1 ही है, सही जवाब दिया आपने बहुत बढ़िया। हाँ ये भिन्न का रूल है कि सारे पार्ट शुड बी इक्वल, ओके वेरी गुड, इक्वल होना चाहिए। एक और सवाल चलो, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, इनमें से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं माना गया है, पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना या संरक्षण, याद रखिएगा यह सवाल पहले भी टेट में आ चुका है और 2020 में भी यह टेट में आया था, यह 19 में आया होगा, किसी एक जगह यह सवाल आया था। अब यहां दोनों में ऑप्शंस में अलग अलग, पंक्तिबद्धता चलिए डी ऑप्शन, संरक्षण यानी कंजर्वेशन बोलते हैं इसको, दैट इज अलाइनमेंट, यानी अलाइनमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट इन रो, मैं इसको आपको सिंपल भाषा में लिख देता हूं, अरेंजमेंट इन रो, इसको बोलते हैं काउंटिंग, इसको बोलते हैं राइटिंग डिजिट, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन, इट्स कंजर्वेशन, इनके आसान वर्ड्स हैं, इनको बोलते हैं, ये तो लिखा है राइटिंग डिजिट, गणना को बोलते हैं कैलकुलेशन या गिनती, ओके तो क्या मिलता है जवाब डी, सबको पता है, देखो याद रखना प्राइमरी लेवल पर बच्चा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंजर्वेशन को नहीं जानता है, क्योंकि जो कंजर्वेशन है वो सबसे लास्ट में आता है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है अंक लिखना सीखता है पहले नंबर पर,
उसके बाद वो गणना करना सीखता है, उसके बाद वो पंक्तिबद्धता यानी उन चीजों को पंक्तिबद्ध यानी रोज में लिखना शुरू करता है। कहते हैं ना रो में लिखो, खाने में लिखो, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो, उनको अरेंज करो, छोटा बड़ा कौन सा इनको लिखो, ये सब आता है। लेकिन जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कोई चीज कैसे लिखी जा रही है उसके पीछे राज क्या है, उसके पीछे क्या कंजर्व प्रॉपर्टी रखी गई है। क्लास का टाइमिंग 4 बजे से होता है डेली। ओके, तो क्या समझ में आया, कंजर्वेशन इज नॉट द पार्ट। अगर हाँ, अभी ये 2020 में भी पूछा गया सवाल था, वहां पर संरक्षण के साथ ये नहीं था और वहां पर मापन लिखा था, तो उस समय मापन इसका सही आंसर होगा। कंजर्वेशन को हम इवेल्युएट कर सकते हैं कक्षा 5 तक, छोटा मोटा, लेकिन मापन नहीं आता है, मेजरमेंट नहीं आता है, जो स्थानिक समझनी स्टार्टिंग में यूज होता है। तो यहां पर आंसर क्या था, कंजर्वेशन, करेक्ट आंसर दिया है आपने। एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। योग और व्यवकलन, व्यवकलन को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, यानी बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, शब्दों पर दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थी की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक कौन से होंगे, यानी बेस्ड ऑन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द टाइटल ऑफ द असेसमेंट आर टू असेस द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन इन वर्ड्स इज व्हाट। सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीकरण, गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। कहा अरे सर जी, इसमें क्या पूछने वाली बात है, सबसे बड़ा है तो बेहतर है, तो हमें पहले से पता था, है नहीं, बड़ा है तो बेहतर है तो हम जानते थे, है ये तो हमें पता था कि बड़ा है तो बेहतर है ये सबको पता है बड़ा है तो बेहतर है। सवाल का बोधन, सही जवाब लिखना, सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना, गलत आंशिक रूप से सही पूर्णतः सही करना। तो बता दें राइट ऑप्शन सबका सही जवाब है, करेक्ट आंसर आपका, तालियां आप लोगों के लिए, ए इज द राइट आंसर। क्यों, जब आप जोड़ने घटाने की बात करते हो तो बच्चे से सिर्फ ये नहीं देखते कि उसने क्या किया बचपन में, क्या होता था आपके साथ, आपको सवाल की समझ है, उसमें क्या करना है, क्या इसमें करना है, जोड़ना ही सवाल में घटाना ये पता होना चाहिए। आप सवाल लिखा है 2 और 2 कुल कितने होते हैं, तो आपको गणित में निरूपण करना आना चाहिए, 2+2 होते हैं, इसका समाधान कितना होगा 4, इसको कैसे करोगे, शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी आपको उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, एकदम सही जवाब आपने दिया है, और लाइक में कंजूसी बराबर चल रही है आपकी, लाइक में कंजूसी बराबर कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी कंजूसी के, मैं कायल हूं। क्वेश्चन है, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश क्या होंगे। कक्षा 4 की बात हो रही है, और बात समझना कक्षा 4 में हम बात किसकी कर रहे हैं, ज्योमेट्री की। तो कक्षा 4 में रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए क्या असेसमेंट पॉइंट होंगे, क्या असेसमेंट इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। 1, परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतः बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है बच्चा, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर स्थापित कर सकता है, उन्हें परिभाषित कर सकता है। 2, रेखा और रेखाखंड में अंतर स्थापित कर सकता है, किन बिंदु चिन्हित कर सकता है और दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। 4, सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से मापा जा सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। और यहां पर इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाएंगे, इस बार मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इस तरह के एग्जाम में सवाल बहुत पूछे जाएंगे जो प्योरली लॉजिकल थिंकिंग पर बेस्ड है। और जैसे इस तरह का सवाल आपके सामने आता है तो शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और यहां पर सब लोगों ने आंसर दिया है ए, तो जिन्होंने ए कहा है भाई उनका तो गलत जवाब है। हाँ भाई, सी वालों आपके लिए बिल्कुल भी तालियां नहीं बजाऊंगा मैं, क्योंकि सी वालों का भी गलत जवाब है, ए भी गलत है, सी भी गलत, तुक्का भी गलत हो रहा है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है, आपने गलती कर दी। डी भी गलत जवाब, अभी भी डी नहीं दे रहे, डी भी गलत जवाब है भाई अश्वनी, तो भाई ये भी गलत जवाब है, सही जवाब है बी, बी किसी ने नहीं दिया, बी को छोड़कर सारे आंसर आपने दे दिए। अब समझो कैसे, बच्चा कक्षा 4 का है, अकॉर्डिंग टू NCF कक्षा 4 में बच्चों को ज्यामिति की समझ कराई जाती है, अकॉर्डिंग टू NCF कक्षा 4 में बच्चों को ज्यामिति की समझ कराई जाती है, ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसके सिलेबस में क्या है, रेखा किरण और रेखाखंड ये क्या है, दैट्स इट,
इसके अलावा कुछ नहीं है उसके सिलेबस में। रेखाकरण और रेखाखंड, यानी बच्चा सिर्फ रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है, इनमें अंतर स्थापित कर सकता है और उन्हें परिभाषा दे सकता है कि इसको क्यों कहा जाता है, दैट्स इट। जबकि आपने कहा परिशुद्ध रूप से, तो क्या एक बालक एक्यूरेटली कक्षा चार का बच्चा दो बिंदुओं की दूरी को चिन्हित कर सकता? नहीं, क्योंकि उसके लेवल की बात ही नहीं है, क्योंकि ये माप को खींचना कक्षा पांच छह में सिखाया जाता है ना, जहां पर परिशुद्ध लिखा है तो ये परिशुद्ध रूप से तो कर ही नहीं पाएगा कक्षा चार, क्योंकि उसके तो सिलेबस में इतनी सी बात है। रेखाकरण और रेखाखंड क्या होते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो लाइन भी खींच देगा, परिशुद्ध रूप से माप भी लेगा, इंच सेंटीमीटर में माप देगा। इसलिए इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी है कि वो रेखाकरण और रेखाखंड में अंतर स्थापित कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है, बात समझ में आ गई, डन है, आगे बढ़े। एक और सवाल, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सबसे ज्यादा उपयुक्त है, यह आपको बताना है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब मुझे अच्छी से देंगे, ऐसा मुझे लगता है। कोई भी जल्दबाजी, कोई भी देरबाजी नहीं होगी, क्वेश्चन आपके सामने है और उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब आपको अच्छे से देंगे, कोई प्रॉब्लम आप नहीं करेंगे। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है, लेट्स सी। अब ये तो आप पर डिपेंड है कि आप इसका जवाब क्या देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ ऐसी जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप पहचानते हैं, और यहाँ पर कुछ आकृतियाँ मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, शायद जैसा मुझे लगता है कि मैंने कुछ आकृतियाँ आपको शो की हुई हैं। अब मैं देखूंगा कि आपको वो आकृतियाँ याद हैं कि नहीं, ये आप पर डिपेंड है। अब देखते हैं आप क्या बताते हैं इस आकृतियों में, सवाल आप पर डिपेंड है। ग्राफ पेपर सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है, क्या बात है, सब लोग ग्राफ पेपर के पीछे पड़े हैं। किसे ग्राफ पेपर सबसे अच्छा है, पक्का सब लोग एक सुर में बोले हैं कि ग्राफ पेपर ही होगा। ओके, तो आपने कहा ग्राफ पेपर, हम आपकी बात को कैसे काट सकते हैं, कैसे टाल सकते हैं आपकी बात, आपकी बात काटना हमारे बस की बात थोड़ी है, क्योंकि एनसीएफ के अकॉर्डिंग तो बच्चा प्रधान है ना, जो बच्चे ने कह दिया वही फाइनल है। तो आपका जवाब एकदम फाइनल है, एकदम सही जवाब दिए हैं आप, समझते हैं तो समझ लेना। ये होता है जियो बोर्ड, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको बोलते हैं जियो बोर्ड, क्या बोलते हैं जियो बोर्ड, देखा होगा आपने जियो बोर्ड। इसका नाम है जियो क्यों है, जियो मीन्स ज्यामिति, ये ज्यामिति से मिलकर बना है, इसको जियो बोर्ड बोलते हैं। अब ये जियो बोर्ड क्या है, लकड़ी का एक फ्रेम होता है, उस पर पिन से लगी रहती हैं पिन इक्वल डिस्टेंस पर, और ये जो नीचे रबड़ बैंड, कलरफुल रबड़ बैंड होते हैं जिनकी सहायता से बच्चा रबड़ बैंड बना करके सिर्फ और सिर्फ 2D आकृतियों को सीखता है, उनके परिमाप को सीखता है। तो ज्यामिति आकृतियों का संदर्भ लेता है, ज्यामिति आकृतियों को बनाने की कोशिश करता है, तो जियो बोर्ड हमेशा उसमें फायदेमंद होता है। तो जियो बोर्ड तो हो नहीं सकता भाई, इसमें आपको दशमलव की संख्याओं की बात हो रही है। गिनतारा क्या होता है, गिनतारा भी बता देता हूं। गिनतारा तो सबने देखा, अबेकस जिसको आप बोलते हैं, आपकी स्क्रीन पर होगा अबेकस। इसमें क्या होता है, बच्चा प्लेस वैल्यू सीखता है, प्लेस वैल्यू के साथ वो संख्याओं को जोड़ना घटाना सीखता है इसमें, है ना। तीसरी बात करते हैं, वो क्या है, देयर इज मोतियों की माला। मोतियों की माला हम किस लिए यूज करते हैं, ऐसी एक माला होती है जिसके अंदर कलरफुल क्या होते हैं, पर्ल, यानी मोती होते हैं, कुछ येलो कुछ ब्लू इस तरह से होते हैं। तो इसमें हम गिनतियों को गिनना, कटवा गिनती यानी जो क्रॉस पजल्स होती हैं, ऑड इवन की पहचान, क्योंकि इसमें एक मोती ऐसा होता है, दूसरा वाला दूसरा होता है, तो इससे भी कर सकते हैं, काउंटिंग करते हैं। लेकिन ग्राफ पेपर हमेशा ही, पेपर में अभी भी आया था, सीटेट के पेपर में आया भी था इस तरह का सवाल। तो ग्राफ पेपर को हम ग्रिड पेपर भी बोल देते हैं। तो अगर आप किसी भी संकल्पना को मजबूत करना चाहते हैं, तो ग्राफ पेपर यानी ग्रिड पेपर की मदद से आप दो दशमलव संख्याओं की संकल्पना को पढ़ा सकते हैं आसानी से। क्लियर है, बात समझ में आ गई, सबको समझ में आया, क्योंकि ग्राफ पेपर में होती है इस तरह की वैल्यूज और हम काउंटिंग करके बता देते हैं बच्चे को क्या है। हाँ, इज इट क्लियर, समझ में आ गया सबको, बहुत ही बढ़िया जवाब आपके मिल रहे हैं मुझे, दैट्स वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो भाई, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए, संकल्पनाओं को जटिल से सरल के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हाँ, रीट फर्स्ट पेपर में आया था, वही बोल रहा हूं मैं। चलिए देखते हैं जवाब क्या मिलता है। प्राथमिक स्तर पर
सवाल सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन में वो आएंगे। तो डेली अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करें इसको, जिससे लगातार आपकी क्लासेस में इस तरह की क्लास हम लेते रहें और आप लोगों को अधिक से अधिक फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह का स्टडी देते रहें। तो संकल्पनाओं को उच्चतर कक्षाओं के संबंध जोड़ना चाहिए, संकल्पनाओं को जटिल से सरल के रूप में होना चाहिए, संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या फिर संकल्पनाओं को कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाना चाहिए। सी, समझिएगा सवाल, बहुत ही आसान सवाल था, इसको आप आसानी से कर सकते थे अगर मैं बताऊं तो, इसमें ज़्यादा मुश्किलात नहीं होने चाहिए थे। देखते हैं सवाल क्या था, देखो समझने की कोशिश करना प्रश्न को। गणित की पुस्तक जो आप किताब बच्चों को देते पढ़ने में, उसके बारे में बात हो रही है। देखो कक्षाओं को उच्चतर कक्षाओं से जोड़ने वाला होना चाहिए। NCF साफ साफ मना करता है कि बालक को कभी भी उच्चतर कक्षाओं से नहीं जोड़ना है आपको। जिस कक्षा का बच्चा उसे उसी कक्षा में रहकर पढ़ाना है, उच्चतर कक्षाओं से नहीं जोड़ना पड़ेगा, ये तो गलत है। संकल्पना जटिल से सरल की तरफ नहीं होनी चाहिए, यानी पहले मुश्किल फिर आसान, ऐसा थोड़ी होता है, अपोजिट होता है, कॉन्सेप्ट सरल से जटिल की तरफ चलते हैं, यानी पहले आसान उसकी तरफ बाद मुश्किल, तो ये भी गलत है। संकल्पनाओं को श्रेणीबद्ध रूप में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूर्णतः श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते आप, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप परसेंटेज को सिर्फ परसेंटेज में पढ़ेंगे, लाभ हानि में नहीं पढ़ेंगे, ये सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ेंगे। संकल्पनाओं को श्रेणीबद्ध होना चाहिए, लेकिन आप पूर्णतः श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। और हमारे मार्शल एच स्टोन साहब क्या कहते हैं, हमारे मार्शल एच स्टोन साहब कहते हैं कि मूर्त से अमूर्त की तरफ पढ़ाओ, यानी पहले बच्चों को बेसिक चीजें, उनके दैनिक जीवन में आने वाली चीजें उनके समक्ष प्रस्तुत की जाएं, उसके बाद उन चीजों को हटा लिया जाए और जो चीज इनटेंजिबल है, जो अमूर्त है, कॉन्क्रीट थिंकिंग की तरफ ले जाया जाए, है ना। तो यानी परिभाषा क्या है मार्शल एच स्टोन की, उन्होंने क्या परिभाषा दी थी कि गणित एक अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और जिसे मूर्त तत्वों पर लागू करके समझा जाता है। इसीलिए मूर्त से अमूर्त की तरफ, मूर्त का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं तो आप उनको क्या दिखाते हैं, एक सेब, दो सेब, तीन सेब, तीन पेन, ऐसे गिनती सिखाते, दैट इज मूर्त। और उसके बाद पेंसिल और सेब और संतरे सब चले जाते हैं, सिर्फ आपके सामने अमूर्त कॉन्सेप्ट बच जाता है, यानी दो और तीन पांच होते हैं ऐसा बच्चा सीख जाता है। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है सब लोगों को, बहुत बढ़िया। तो लाइक इतने कम क्यों है भाई, लाइक में कंजूसी काहे कम, मतलब इतने बच्चे हो गए लाइक अभी भी 45, बच्चे 200 जुड़ चुके हैं और लाइक इतने कम, इतना खराब पढ़ाता हूं क्या मैं। चलो खैर आपकी इच्छा, आप लाइक करें, डिसलाइक करें, चॉइस इज योर्स। तो दोस्तों आपको बता दें आज का सेशन आपको कैसा लगा, मुझे जरूर बताइएगा। इस सेशन को फिर से मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई बेहतरीन क्लास के साथ इसके आगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।